हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं गीता स्वागत करती हूँ आपका अपने इस नए वीडियो में। सो फ्रेंड्स, आप सभी को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और मेरी तो यही तमन्ना है भगवान जी से कि अगले साल तक, मीन्स इस बार तो पॉसिबल नहीं हो पाया, बट अगले टीचर्स डे तक आप सभी लोग अपने स्कूल में एज अ टीचर वर्क करो वहाँ पर और अच्छे से अपना डे इंजॉय करो। मेरी बस यही विश है। तो आज मैं कुछ आप सभी के कमेंट्स लेने वाली हूँ जो कल वाली वीडियोस पे आए थे, क्योंकि कल वाली जो डीवी पे मैंने डाला था बहुत सारे डाउट्स उसमें क्लियर किए थे, बट आज कुछ नए डाउट्स आए हैं तो उनको लेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपको सारा जानकारी सही से ही मिले और आपके कमेंट्स का मैं जो रिप्लाई करूँगी वो आप तक पहुँच पाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज तो बहुत सारे कमेंट्स हैं तो स्टार्ट करते हैं पहला से। पहला कमेंट्स है अतुल किड्स का। थैंक यू मैम, वाटरमार्क वाले डॉक्यूमेंट्स अभी तो नहीं हैं वेबसाइट पर। मैम कब आएंगे और कैसे डाउनलोड होंगे, प्लीज़ रिप्लाई। तो वाटरमार्क वाले जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो अभी नहीं हैं, ये मुझे पता है। मैंने बताया भी था उस वीडियो में कि जब आपका रिजल्ट आ जाएगा एंड डीवी की नोटिस भी आ जाएगी तब वो वाटरमार्क वाले डॉक्यूमेंट्स आपको वेबसाइट पे मिलेंगे जहाँ से आपने फॉर्म फिलअप किया था। तो वो मैं होप करती हूँ आपको ये आपका रिप्लाई मिल गया कि अभी वेट मत कीजिए और अभी मिलेगा भी नहीं, और आपके वो वाटरमार्क वाले डॉक्यूमेंट्स तभी मिलेंगे जब आपका रिजल्ट आएगा, डीवी के लिए नोटिस आएगी तब वेबसाइट पर मिलेंगे। एक और कमेंट्स है, यूज़र आईडी करके थी, इनका कोई नाम नहीं है। मेरी सीटेट की मार्कशीट गलत लग गई है फॉर्म भरते टाइम, तो रिजल्ट आने के बाद मैं क्या वो मार्कशीट चेंज कर सकती हूँ, प्लीज़ रिप्लाई। डीवी में वो ओरिजिनल लेकर जाऊँगी सही वाली, प्लीज़ बताइए कि ऐसा तो नहीं कि मार्कशीट जो अपलोड की हूँ वो देखते ही मुझे बाहर कर दें, डीवी ना कर पाऊँ। तो देखिए, जो आपने डॉक्यूमेंट्स फिल मतलब फॉर्म भरते टाइम अपलोड किए थे वही आपको ले जाने हैं। अगर ऐसा होता तो अभी सीटेट वालों को बाहर किया जा रहा है, तो वो लोग भी तो अपना अभी सीटेट पास किए हैं बहुत सारे लोग, वो अपना नेक्स्ट सीटेट वाला डाल सकते हैं। तो आपको वही ले जाना है जो आपने अपलोड किए हैं, आप दूसरा वहाँ पे नहीं लगा सकती हैं। अगर आप दूसरा लगा देंगी तो फिर एक बार डीवी नहीं करानी आपको, बार बार आपके सारे डॉक्यूमेंट्स वही लगेंगे। तो आपको वही डॉक्यूमेंट्स ले जाने हैं जो आपने फॉर्म फिल करते टाइम किया है। और नेक्स्ट कमेंट है, इनका भी कोई नाम है, मीना कुशवाहा का। दी काउंसलिंग का पूरा प्रोसेस बता दीजिए और डॉक्यूमेंट्स भी। तो काउंसलिंग में आपको सारे अपने डॉक्यूमेंट्स ले जाने हैं, इस पर मैंने वीडियो बना दी है तो आप उसको देख लीजिएगा कि क्या ले जाने हैं, कैसे ले जाने हैं। एंड प्रोसेस क्या होता है, प्रोसेस में आपको वहाँ पे आप जाओगे जहाँ पे आपका डीवी होना है, देन आपको वहाँ अंदर बैठाया जाएगा, देन आपका जब नंबर आएगा या फिर जब आप काउंटर पे पहुँचोगे तो आपके सारे डॉक्यूमेंट्स वो ओरिजिनल देखेंगे, देन एक फाइल या फिर दो फाइल वहाँ पे आपके डॉक्यूमेंट्स के जमा होंगे। एंड उस पर आधार कार्ड वाले नंबर पर एक OTP आएगा, वो OTP आपको देनी है, फिर आपको सिग्नेचर करना है वहाँ पर, देन आपको एक लेटर मिलेगा जो ट्रेनिंग के लिए होगी, तो वो आपको लेटर लेके फिर अपने ट्रेनिंग पे चले जाना है, यही प्रोसेस है। देन ट्रेनिंग के बाद का क्या प्रोसेस होता है उसको मैं आगे बताऊंगी। कंचन का कमेंट्स आया है, 10th 12th और DLED में KM लगा है, ग्रेजुएशन वाली मार्कशीट में नहीं है, बताओ मार्कशीट सही करवाएं जाके या सीटेट, ना ही सीटेट के मार्कशीट सर्टिफिकेट में लगा है, आधार पैन वोटर आईडी में भी KM नहीं लगा है, तो बता दीजिए क्या क्या ठीक करवाना है। देखिए, KM जो लगा होता है वो हाई स्कूल और इंटर तक लगा होता है, ग्रेजुएशन के बाद से अपने आप KM हट जाता है तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर आपके आधार कार्ड में नहीं है तो आधार कार्ड में KM करवा लीजिए। एंड बोलती हैं सीटेट के मार्कशीट में भी नहीं लगा है, तो देखिए आप एफिडेविट बनवा लीजिएगा अपना KM का, क्योंकि आपके बहुत सारे में है, बहुत सारे में नहीं है। और मेरे में क्या था,
मेरे में सारे डॉक्यूमेंट्स मीन्स हाई स्कूल और इंटर में केएम लगा था, देन उसके बाद में केएम नहीं लगा था, इस पर मैं भी बहुत ज़्यादा परेशान हुई थी। बट मैंने और जो अपने और भी आईडी प्रूफ बनाए, जैसे वोटर आईडी और पैन कार्ड जो बनवाए, वो अपने हाई स्कूल के उस पे बनवाए, तो सब में मैंने केएम लगवाया। तो आप भी अपने हाई स्कूल के मार्कशीट के बेसिस पे अपना प्रूफ बनवाइए ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। तो देख लीजिए आपको क्या करना है और कैसे करना है। एक और कमेंट्स है जो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि ब्रजेश का ये क्वेश्चन है, क्या डीवी के समय ही पासबुक और चेकबुक लगेगा या फिर बाद में चल सकता है? तो देखिए डीवी के टाइम पे आपको अपने बस सारे डॉक्यूमेंट्स लगेंगे एंड आपको उस समय पासबुक और चेकबुक कुछ भी नहीं लगेगा। ये जो पासबुक और चेकबुक का प्रोसेस है, जब आप प्लान जनरेट करोगे तब लगेगा, तो अभी आपको उस टाइम पे कुछ नहीं लगेगा। एक और कमेंट्स आता है कि मेडिकल भी लगेगा क्या? तो मेडिकल वगैरह कुछ नहीं लगता है किसी का, बस वही सारे डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, एक्स्ट्रा कोई चीज़ नहीं लगती है, तो इस बात का आप ख्याल रखिए। मीना का कमेंट है, मैम आधार कार्ड संशोधन के बाद क्या उसे री अपलोड करना होगा वाटरमार्क के लिए, प्लीज़ रिप्लाई। जी नहीं, देखिए आधार कार्ड में जब आप संशोधन करवा लेंगी तो वो तो चेंज हो जाएगा, बट आपको जो अपना ले जाना है पुराना वाला ही आपको करा के, मतलब जो दो चार जगह लगेंगी वो पुराना वाला ही ले जाना है, क्योंकि अगर क्योंकि फॉर्म फिलअप करने करते टाइम आपका पुराना वाला ही था। एंड जैसे मैंने अभी अपना करेक्शन करवाया था, बट मैंने कोई अपलोड करने को नहीं मांगेगा, आप अपलोड भी नहीं कर पाएंगी। एंड जब आधार कार्ड का फोटो कॉपी लगेगा, तो मैंने हर जगह पे तीन चार जगह लगा था जो, तो पुराना वाला ही लेके गई थी, मतलब जमा की थी। देन अब क्या है, अब कहीं लगता है तो मैं नया वाला जमा करती हूँ, क्योंकि अब जो करेक्शन हुआ था वो हो चुका है, मीन्स अब वहाँ वेबसाइट पे दिखेगा। आराधना कुशवाहा का कमेंट से, मैम टीजीटी की ट्रेनिंग कितने दिन की होती है, प्लीज़ रिप्लाई। देखिए ट्रेनिंग वाली ट्रेनिंग के लिए मैंने एक वीडियो मतलब बताया था पिछले वीडियो में कि सबकी ट्रेनिंग एक ही महीने की होती है, साथ में ही होती है। जैसे हम लोग प्राइमरी के लिए गए थे, देन जिसका डीवी पहले हो गया वो पहले आ गए, तो कुछ लोग 12th के थे, 11th 12th के, तो वो लोग भी हम लोग के साथ ही ट्रेनिंग कर रहे थे, तो हम लोग के साथ ही ट्रेनिंग की है, तो सबकी भी ट्रेनिंग एक ही महीने की होती है। द ट्रेंड्स का कमेंट से, मैम ट्रेनिंग में अपने पर्सनल यूज़ के लिए घर से क्या क्या लेकर जाना पड़ता है? देखिए आपको वहाँ पे जो आवासीय ट्रेनिंग होती है, वहाँ पे आपको बिस्तर मिल जाएंगे, बेड मिल जाएंगी या फिर गद्दे मिल जाएंगे, मच्छरदानी मिल जाएगी, और अगर आपको ओढ़ना है तो ओढ़ने के लिए कंबल भी मिल जाता है। ठंडी के टाइम पे हम लोग का ट्रेनिंग था, मीन्स नवंबर में, तो उस टाइम पे हम लोग को ओढ़ने के लिए कंबल भी मिला था ठंड वाली, एंड मच्छरदानी भी मिली थी, और आपको अपने पर्सनल कपड़े और साबुन शैम्पू, और अगर कुछ आपको एक्स्ट्रा खाना पीना है तो आप रख सकते हो, बाकी खाना पीना चाय नाश्ता सब कुछ मिलता है वहाँ पे टाइम टाइम से। एक और कमेंट्स आया है पूजा कुमारी का, ये बोलती है लैंग्वेज में 7 नंबर है तो रिजल्ट आएगा? तो देखिए आपको लैंग्वेज इस बारी 30 नंबर का हुआ था, जिसमें से आपको 9 नंबर लाने थे, तो आपका रिजल्ट पॉसिबल नहीं है आने के लिए। एक और कमेंट आया है अग्नि भारद्वाज का, मैं मेरे एडमिट कार्ड में वाटरमार्क नहीं लगा, आया कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा? और दूसरा इनका है, तो पहले का जवाब देते थे। देखिए वाटरमार्क अभी नहीं आएगा, और एडमिट कार्ड नॉर्मली आया था उसमें वाटरमार्क नहीं रहता है, एंड सेकेंड जो है वाटरमार्क वाले डॉक्यूमेंट्स रिजल्ट आने के बाद आएंगे। दूसरा कमेंट, बीएड की डिग्री तो नहीं चाहिए, सिर्फ मार्कशीट से ही काम चल जाएगा? देखिए बीएड की डिग्री लगेगी, मार्कशीट भी लगेगा 4 सेमेस्टर का, और डिग्री भी लगेगी, दोनों जमा होते हैं। बीए की डिग्री नहीं है, मार्कशीट और प्रोविजनल सर्टिफिकेट है, उससे काम चल जाएगा। मेरा 68 हिंदी में 90 है एनी चांस, तो आपके 90 है तो हो जाएगा, चांस की बात ही नहीं है। और अपना डीवी के लिए तैयारी कर लीजिए, एंड बीए की डिग्री नहीं है तो डिग्री ले लीजिए, वहाँ पे डिग्री भी लगती है। देखिए आपका थर्ड ईयर का मार्कशीट लगेगा और डिग्री लगेगी, और अगर आपने बीटीसी या बीएड किया है
तो उसका मार्कशीट लगेगा 4 सेमेस्टर का, और वो लगेगा डिग्री लगेगा। तो आपके कमेंट्स का रिप्लाई मैंने दिया है, और इन्हीं का कमेंट्स है कि मेरे फॉर्म में मैरिड शो किया है बट आधार कार्ड में अनमैरिड है, तो उसको करेक्ट करवाऊँ या नहीं। देखिए, आपको करेक्ट करवाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आधार कार्ड में पापा का नाम है तो पापा का नाम ही रहने दीजिए, क्योंकि हमारे मार्कशीट में पापा का नाम ही होता है, और वैसे भी आधार कार्ड में मैरिड का कोई ऑप्शन नहीं रहता है। कंचन का कमेंट है, सीटेट वाले सर्टिफिकेट में केएम नहीं लगा, उससे कोई चेंज भी नहीं हो सकता कुछ, आधार कार्ड का तो ठीक करा लेंगे। जी ठीक है, आधार कार्ड में आप करेक्शन करा लीजिए, सीटेट में नहीं लगाई हैं। तो आगे से ध्यान रखिएगा कि अपने हाई स्कूल के मार्कशीट के आधार पर ही आपको फॉर्म को फिलअप करना है, जो भी फॉर्म फिलअप करना, आगे से गलती ना कीजिएगा। एक और कमेंट से यूज़र करके है, इनका कोई नाम नहीं है। तो मैम, मेरा आधार कार्ड पे फादर नेम MD जमाल अनवर है, और मेरे सारे मार्कशीट में फादर नेम MD जमाल है, तो क्या मुझे DV में बाहर हो जाऊँगा या एफिडेविट बनवा लूँ? तो एफिडेविट बनवा लीजिए, या फिर आधार कार्ड करेक्शन करवा के ये जो एक्स्ट्रा है थोड़ा सा अनवर, इसको हटवा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। यदुवंशी का कमेंट है, क्या कोई बताएगा प्लीज़, मम्मी पापा का आधार कार्ड या कोई ID लगता है क्या? तो नहीं, मम्मी पापा का कोई भी ID प्रूफ वहाँ पे नहीं लगता है, आपको बस अपना लेके जाना है, क्योंकि सिलेक्शन आपका हो रहा है, मम्मी पापा का नहीं हो रहा है, उनका कुछ भी नहीं लगता है। और एक कमेंट से कि बोलती हैं कि डिजिटल डिग्री अलाउ करते हैं क्या DV में? तो डिजिटल डिग्री अलाउ नहीं करेंगे, वहाँ पे जो रहेगा सब कुछ प्रूफ में हार्ड कॉपी देखेंगे, तो जो भी है आप अरेंज कर लीजिए अपना। एक और कमेंट्स आया है, 10th और 12th में, 12th ग्रेजुएशन में KM लगा है DLED में, आधार में फॉर्म में KM नहीं लगा है, तो कोई दिक्कत होगी उससे क्या? तो 10th 12th और ग्रेजुएशन में KM लगा है, DLED में नहीं लगा है, तो DLED में देखिए हट जाता है अपने आप, और फॉर्म में आपने नहीं लगवाया है तो कोई दिक्कत नहीं होगी फॉर्म में, और जब फॉर्म में आपने अप्लाई नहीं किया। बट आगे से ख्याल रखिएगा, आप लोग अपने सारे जो भी फॉर्म फिलअप करते हैं उसको अपने हाई स्कूल की मार्कशीट से फिलअप करने हैं, इस बात का ध्यान रखिए, क्योंकि कोई भी फॉर्म आता है तो उसमें यही बोलता है कि अपने हाई स्कूल के मार्कशीट से भरिए। एक और कमेंट है कशिश सिंह का, बोलती है ट्रेनिंग कितने मंथ का होता है? तो ट्रेनिंग 1 महीने का होता है। तो फ्रेंड्स, आप सभी के ये सारे कमेंट्स थे जिसके रिप्लाई मैंने दिए हैं। अगर आपके और कोई डाउट्स हैं तो उसको आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई करूँगी। तो मिलेंगे आपसे कल एक नए वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, और हैप्पी टीचर्स डे टू यू अगेन, और अपना DV की तैयारी अच्छे से कर लीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे सारे वीडियो आपके पास पहली बार में ही पहुंच जाए। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।